आप लोग को इस मेला में आपको जादूगर भी देखने को मिलेगा। हमको भी भाई मेहनत करना होगा इसमें हाथ लगाने के लिए, थोड़ा सा हाथ लगाइए और खींचे खींचिए खींचिए जोर लगा के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो अभी फिलहाल हम आ गए हैं आपको पिपरा घाट का मेला दिखाने के लिए, आप लोग को कि यहाँ पे क्या तैयारी चल रहा है पिपरा घाट का मेला का, जो पूर्णिमा के दिन लगता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही लंबा चौड़ा में मेला लग रहा है। तो अभी फिलहाल जो मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये है आपको अमोला गाछी, जो आपको आप लोग जानते होंगे अगर यहाँ पर आए होंगे तो, ये अमोला गाछी है और यहीं से आपको पूर्णिमा मेला का शुरुआत हो जाता है। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर झूला लगना शुरू हो गया। तो चलिए हम इस ब्लॉग में आपको पूरा आपको यहाँ का मेला दिखाएंगे कि कितना तैयारी हो रही है इस बार का पूर्णिमा मेला का। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, और जो भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे झूला लग रहा है, और ये रही कि आपको ब्रेक डांस झूला। तो सर आप लोग कहाँ से आए हैं झूला लगाने के लिए? पटना से। तो सर लोग पटना से आए यहाँ पे झूला लगाने के लिए, और ये कब से शुरू हो जाएगा जी सर? मेला तो शायद 27 को है ना, तो 27 को ही पूरा दिन रहेगा, उसके बाद ही मेला रहेगा। हाँ, 27 को आप पूरा दिन यहाँ पे चलाइएगा। तो 27 को यहाँ पे आपको झूला शुरू हो जाएगा झूलने के लिए। और अभी देख सकते हैं यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे झूला का पूरा आपको फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है, और सामने में आपको एक ब्रेक बोट वाला है झूला। और भी झूला लगेगा क्या सर? हाँ, नौ वाला झूला, और भी झूला कोई लगेगा? टावर झूला। तो इसमें आपको टावर झूला का भी आपको लगेगा, क्योंकि अभी दो दिन टाइम है, तो ये लोग अभी दो दिन में कंप्लीट कर लेंगे टावर झूला भी। और चलिए अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं, और आपको पिपरा घाट का जो पुलिया है जो कि कमला नदी के ऊपर है, हम आपको वहाँ दिखाते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे आपको नौ वाला झूला यहाँ पे तैयारी किया जा रहा है भैया। तो भैया कब से झूला चालू कर रहे हैं आप? कब से झूला चालू कर रहे हैं? 26 तारीख से। और टिकट दर क्या रखिएगा? 30 रुपया नौ वाला झूला का टिकट दर। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग, और यहाँ पे देख सकते हैं कितना सामान बिखरा पड़ा है अभी झूला तैयारी होने का। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए आपको कमला नदी के पुलिया के नीचे, जहाँ पे आपको यहाँ पे पूर्णिमा स्नान किया जाएगा आज से 3 दिन के बाद। और यहाँ पे अभी देख सकते हैं आपको तैयारी, मैं आपको दिखाऊँ हमारे पीछे देखिए, यहाँ पे इस साइड में अभी आपको दो दो जगह कल्पास मेला, यानी कि पूर्णिमा का कुछ कल्पास मेला का यहाँ पर बैनर लगा है, तो उसका भी यहाँ पे कुछ कथा उथा चल रहा है। और यहाँ पे साथ में आपको बजरंगबली का मूर्ति भी बनाया गया है, और भी भगवान का मूर्ति बना हुआ है, तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। और यहाँ का मेला में क्या क्या चीज़ आया हुआ है, तो मैं अभी यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ, और आपको मैं यहाँ से जाते हुए जो मुख्य मंदिर बनता है, जो मुख्य पंडाल जहाँ पे रहता है, हम वो चीज़ आपको दिखाते हुए चलेंगे। तो चलिए यहाँ से अब हम शुरू करते हैं आपको पूरा दिखाना, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। देख सकते हैं ये रहेगी आपको ड्रैगन झूला, सामने में एक और ब्रेक डांस,
और सामने में एक और आपको टावर झूला, क्योंकि हम आपको पीछे भी दिखाए थे, तो यहाँ पे ये कंपाउंड में आपको पूरा झूला ही झूला मिलेगा। और इस बीच में आपको ढेर सारा लाइटिंग से सजा हुआ मिलेगा आपको 26 तारीख से। तो दोस्तों देख लीजिए इस झूला में आपको, सॉरी इस मेला में आपको झूला बनाने में कितना मेहनत लगता है, तो इन्हीं लोग से देख लीजिए झूला को तैयार करने में लोग को कितना मेहनत लग रहा है। कब से आप लोग झूला तैयार कर रहे हैं सर जी? कितना दिन से? 5-6 दिन से कर रहे हैं सर। 5-6 दिन से ये सब टोटल झूला आप ही लोग तैयार किए हैं जी? अच्छा, बहुत मेहनत का काम है। देख सकते हैं यहाँ पर भी दो बंदे खड़े हैं और यहाँ पे आप लोग 4 लोग पूरा घींच के अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे पूरा तैयार हो रहा है। हमको भी मेहनत करना होगा इसमें हाथ लगाने के लिए, थोड़ा सा हाथ लगाइए और घींचे 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 जोर लगा के और घींचे। क्या हेलो हो गया? अब हो गया, हम भी मेहनत कर दी यहाँ पे झूला लगाने में। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से जब आप नदी से निकलेंगे तो इस साइड में भी आपको दुकानें सब तैयार हो रहा है और यहाँ पे भी दुकान रहेगी और इधर भी आपको पूरा दुकान सब बन जाएगा। और आपको मैं मेन रोड में दिखा दूँ कि कितना दुकान बन रहा है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख लीजिए अभी से दुकान के लिए यहाँ पे जगह सफाई होना शुरू हो गया है और इस सब में आपको पूरा दुकान लग जाएगा, क्योंकि ये अब नया ब्रिज बनने वाली है तो ये सीधा रोड को आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो इसमें आपको पूरा दुकानें रहेगी। तो ये आपको जाम की वजह से इधर नहीं है, आगे है थोड़ा सा। और देख सकते हैं ये सब दुकानें आपको बन के तैयार हो चुका है आपको 27 तारीख के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक देख सकते हैं पूरा दुकानें रहेगी। और इधर भी आपको दुकान का सामान सब आ गया है और हर जगह आपको दुकान तैयारी हो रहा है मेला के लिए, तो पूरा आपको बहुत ज़ोरों से यहाँ पे तैयारी चल रहा है मेला के लिए। तो आप लोग ज़रूर आइए यहाँ पे ख़रीदारी कीजिए। और मैं आपको अभी मुख्य पंडाल की ओर ले चलूँगा जहाँ पे आपको भगवान का पंडाल बनता है, तो मैं अभी आपको वो दिखाऊँगा। और इधर भी देख सकते हैं आपको दुकानें सब बन रहा है ये सब में भी आपको, और इधर भी आपको जो जो दुकानें हैं सामने से आपको कंप्लीट करके तैयारी कर लिया जा रहा है। इस समय आपको टोटल दुकानें दिख जाएगा और यहाँ पे सामने में आपको होटल सब मिल जाएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे। और दोस्तों सामने में रहेगा आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये रही आपको पूजा का पंडाल, जो कि 2 दिन है इसको भी तैयार कर लिया जाएगा। तो फिलहाल अभी यहाँ का काम अभी बहुत तेज़ गति में चल रहा है, तो ये रहेगी आपको पूजा का पंडाल। और जो मैं अभी इससे पहले का लोकेशन दिखाया था वो था आपको बाबूबाड़ी वाली रोड में। तो दोस्तों ये रही आपको मेला का मुख्य द्वार और यहाँ से आप मेला में एंट्री करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ ये मेला आपको 27 नवंबर को रहेगी, जो कि आपको 27 से 28 तक चलेगा, तो शायद आपको 26 को ही शाम में आप लोग यहाँ पे आ जाइए मेला देखने के लिए। तो 26 को शाम से यहाँ पे मेला शुरू हो जाएगा, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे पहुँचिए और मैं आपको यहाँ का जो मेला में तैयारी है वो दिखाया हूँ। और अगला वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा कि मेला में कितनी भीड़ आ रही है, तो सब चीज़ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।